एक भारत श्रेष्ठ भारत और आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत बेटमा के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के हथियारों और सैन्य बैंड का प्रदर्शन किया गया। स्कूल शिक्षक द्वारा गाए गए देशभक्ति गीत ने सबका मन मोह लिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेटमा के पूर्व छात्र और सीमा पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद मोहन लाल सुनैर की वीरांगना धर्मपत्नी राजूबाई के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को हुआ, जहां शहीद की धर्मपत्नी द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आगंतुकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात विद्यालय परिसर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा अधिकारियों के उद्बोधन के बाद बैंड प्रदर्शन एवं सीमा पर चलने वालों हथियारों का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया। बैटमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत माननीय मोदी जी की प्रेरणा से जो भी शहीद ग्राम है वहाँ इस तरह के कार्यक्रम सेना द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि देश की सेना क्या करती है और उनका कैसा जीवन होता है वो हम आम जनता को पता चले और आम जनता सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करें और सेना आम लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाए, उसके निमित्त आयोजन हुआ था। शहीद ग्राम जो हमारा मोहन लाल जी सुनेर का है उसी के तहत बेटमा में आयोजन हुआ। श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन के तहत आज बेटमा नगर में अमर शहीद मोहनलाल जी सुनेर को श्रद्धांजलि दी गई है। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के की मुख्य भूमिका रही है, उन्होंने एक अपना इस कार्यक्रम यहां पर रखा है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही सभी न्यूज़ चैनल, सभी पत्रकार और सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जय हिंद, जय भारत। बड़े हर्ष का विषय है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि जो शहीद हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे यहाँ के विद्यालय परिवार के ही एक छात्र, भूतपूर्व छात्र मोहन लाल जी सुनेर पीर पिपलिया गांव के रहने वाले थे, इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे। उन्होंने 12वीं कक्षा यहीं से उत्तीर्ण की है और वो बीएसएफ में चले गए थे और वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में हम प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाते हैं। इस बार बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट भी हमारे साथ मौजूद रहे। आज उन्होंने इस दिवस पर एक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई है और यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो भी देश सेवा के प्रति अग्रसर हों, इसके लिए ये उद्देश्य को लेते हुए और एक अच्छी परंपरा का निर्वाह किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज का ये कार्यक्रम स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कराया गया, जिसमें वीर शहीद मोहनलाल सुनार को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस कार्यक्रम के तहत और भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं, खेलकूद कराते हैं, लेकिन उसमें से एक प्रोग्राम था ये शहीदों को नमन देना, और जिससे कि एक दूसरे लोग में देश में एकता हो और मेल हो, भाईचारा हो, यही संदेश सभी में फैलाना है। और जो भी बलिदान इन्होंने दिया उस बलिदान को याद करते हुए ये कार्यक्रम रखा गया। धन्यवाद। मेरा नाम MS मिंज, डिप्टी कमांडेंट BSF। एक भारत श्रेष्ठ भारत आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत बेटमा नगर के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में आज महू कंटेनमेंट बोर्ड BSF द्वारा एक विशाल हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो बच्चे की जानकारी बढ़ाने के लिए है, उनमें एक नया जोश भरने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हथियार अपने काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जो बच्चों में ये जानकारी देने के लिए है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर किस युद्ध में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, उनकी मारक क्षमता क्या है, सभी जो चीज़ें कहाँ पर कितने बोर की या कितने रेंज की जो बंदूकें हैं या जो हथियार जो यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे हुए हैं वो कैसे किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हथियार रखे हुए हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी में आयोजित किए गए हैं। हम अधिकारी जी से जानना चाहेंगे किस किस तरीके के यहाँ पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सर थोड़ी सी जानकारी देंगे किस तरह के हथियारों का यहाँ पर प्रदर्शन आज किया गया? आज सर ये सभी प्रकार के जो हमारे BSF लेवल के हथियार है, सभी प्रकार के हथियार लगाए गए हैं और ये
बच्चों को दिखाने के लिए। इनमें से क्या कुछ कम ज़्यादा क्षमता वाले हैं या क्या क्या इनकी रेंज वगैरह या कुछ मारक क्षमता वगैरह किसी के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देंगे? ये जैसे ये लगा हुआ है तो इसकी क्या जानकारी? इसका रेंज 1700 मीटर है, ये रशिया का बना हुआ है। हाँ, ये साइड लगा है, साइड से उसका अलग रेंज है और ओपन साइड पर अलग रेंज से फायर किया जाता है इससे। ये किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया है या क्या इसकी विशेषता है? कुछ कहीं पर इस्तेमाल किया गया है या कुछ ताज़ा तरीन कोई युद्ध हुआ हो उसमें का इस्तेमाल किया हो, ऐसा कुछ जानकारी? मिलिटेंसी इलाके में भी इस्तेमाल किया जाता है, युद्ध के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल त्रिलोक सिंह। तो देखा आपने, त्रिलोक सिंह जी ने हमको जानकारी बताई कि यहाँ किस किस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन है, जो आज बच्चे इसका आनंद ले रहे हैं, जो देखने की जो अपने भारत की जो संस्कृति है या भारत की जो युद्ध क्षमता है उसको देख रहे हैं। तो राजेंद्र सूर्यवंशी, कैमरा पर्सन सुनील मेघाया के साथ, SW24 न्यूज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।